अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल के बाहर एक कार चालक ने बैरिकेड को टक्कर मारने के बाद दो पुलिस कर्मियों को कुचल दिया। इसमें एक पुलिस कर्मी की मौत होगी जबकि दूसरा घायल हो गया। वहीं पुलिस ने गोलीबारी में एक संदिग्ध को मार गिराया है। हालांकि फायरिंग की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। बीती रात माहिलपुर पुलिस ने CIA होशियारपुर की मदद के साथ थाने के अधीन आते गांव ठुआना के समीप एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 8 किलो हेरोइन बरामद करके दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कैपिटल हिल इलाके की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारी विलियम इवांस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि US कैपिटल बिल्डिंग के पास एक कार ने दो पुलिस कर्मियों को टक्कर मार दी। विधानसभा चुनावों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले PM मोदी ने असम और बंगाल में पहले भी कई रैलियां की हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना के कुल 24,69,59,152 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10,46,605 सैंपल कल टेस्ट किए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड से बर्फ को हटाने का कार्य जारी है ताकि फिर से यातायात को बहाल किया जा सके। बता दें कि ताजा बर्फबारी की वजह से वाहनों की आवाजाही मुगल रोड से पूरी तरह बंद है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुंबई की दादर सब्जी मंडी में लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करते दिखे। कल ही CM उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अभी भी लोग नहीं संभले तो लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में आज चंडीगढ़ में पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 99,129 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 714 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,58,909 है। फाजिलका अबोहर रोड पर गांव रामपुरा के नजदीक पंजाब रोडवेज फिरोजपुर की डिपो की बस और ट्राले के बीच टक्कर में कई यात्री घायल हो गए, जिनको फाजिलका के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं इस हादसे में ट्रॉले का चालक और बस का चालक भी घायल बताए जा रहे हैं।